हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मिताली और आप देख रहे हैं रिवाइव लाइफस्टाइल विद वीएम का एक और वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाली हूँ भिबाड़ी दारूहेरा में एक नया जो कैफ़े, नया नहीं है, हमें अभी पता चला इसके बारे में। तो हम लोग गए थे डाउन टाउन। एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सैटरडे संडे या फ्राइडे नाइट्स में जाके एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा म्यूज़िक आपको मिल जाएगा, एम्बियंस काफ़ी अच्छा है यहाँ का। हमें हमारे फ्रेंड ने इसके बारे में बताया था तो हम लोग भी गए और वो भी हमारे साथ ही गए हुए थे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि वंश और वो उनके फ्रेंड आगे आगे चल रहे हैं। ये है एंट्रेंस वहाँ का। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो को आपको दिखाऊं और पूरा आपको डाउनटाउन के बारे में और जानकारी दूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूं, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं वीकेंड को और अच्छा बनाने की। अगर आप भी भिबाड़ी दारूहेरा या दिल्ली NCR से थोड़ा सा दूर रहते हैं और अपने वीकेंड को कुछ ऐसी जगह, कहीं ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पे आप पूरा दिन भर भी रुक सकें और रात में पार्टी कर सकें, क्योंकि यहाँ पे ना आप अरावली रिसॉर्ट भी है तो आप दिन भर रुक भी सकते हैं और शाम में बगल में ही लगा हुआ है डाउनटाउन, वहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगी आपको, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आप देख सकते हो पार्किंग से हम जा रहे हैं आगे की तरफ और आगे चल के यहाँ पे मिलेगा आपको एंट्रेंस। जैसे ही आप एंट्री करेंगे आप वेटर को बोल के अपनी सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह भी आती हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, एकदम सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस है। और यहाँ पे पार्टी के लिए जो लोग आते हैं, पार्टी इन द सेंस यहाँ पे डीजे बजता रहता है, बट एस सच डांस वगैरह, डांस फ्लोर वगैरह नहीं है। बट ये देखिए यहाँ से एंट्री हम लोग कर रहे हैं। इट्स अ वेरी नाइस एंड काम प्लेस थी बाहर की तरफ में, अंदर जाएंगे तो लाउड म्यूज़िक वगैरह बज रहा था। खाने की हम बात करें, अगर मैं 10 में से रेटिंग दूँ इसकी तो 10 आउट ऑफ यहाँ पे मिलेगा आपको, 8 की रेटिंग मैं आपको यहाँ पे दूँगी। नॉनवेज लवर जो हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा चिकन यहाँ पे मिलता है तो वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और जो लोग वेज हैं, जैसे कि मैं वेज ही खाती हूँ, तो पनीर टिक्का एंड ऑल ये सारी चीज़ें भी आपको, वेज के सारे आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अरावली जो रिज़ॉर्ट है यहाँ पे आप एक दिन के लिए आ सकते हैं, जैसे सैटरडे आ सकते हैं और दिन भर रुक सकते हैं, या संडे आ सकते हैं और दिन भर रुक सकते हैं। ये रिज़ॉर्ट में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी, स्विमिंग करने को मिलेगी और गेमिंग जोन भी है यहाँ पे। रात में आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, आराम से चिल कर सकते हैं। पूरा फैमिली वाला प्लेस है तो कोई भी इशू नहीं होगा यहाँ पे अगर आप आते हैं अपनी फैमिली को लेके। तो यहाँ पे अगर आप रुकना नहीं चाहते हो तो नाइट में भी आ सकते हो, सम अराउंड 7 o'clock से लेके 10 o'clock तक आराम से आप यहाँ बैठ सकते हो, जो भी खाना पीना है आप कर सकते हो एंड म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हो। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ भी बेबी था, मेरी जो फ्रेंड है उनका ही बेबी है ये, और वो आराम से खेल रहा था, उसको भी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपके लिए एक बेस्ट वीकेंड रहने वाला है। यहाँ पे ना हमारे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आ रहे थे और ये देखिए ये है पीछे का एरिया। अगर आप थोड़ा शोर लग रहा है आपको, या आपका बच्चा परेशान हो रहा है या आप परेशान हो रहे हैं ज़्यादा शोर के कारण, तो आप यहाँ पे आके पीछे बैठ सकते हैं।
यहाँ पे देखिए लगा हुआ पूल है, जो मैं अरावली रिजॉर्ट की बात कर रही थी ना, जहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ दिखेंगी, तो ये यहाँ पे पूरा आपको दिखेगा। बहुत ही अच्छा लगता है नाइट में, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए काफ़ी अच्छा है, और ये सारा डेकोरेशन और एम्बियंस काफ़ी अच्छा बना के रखा है इन्होंने, एकदम पार्टी वाला फील होता है यहाँ पर। और काफ़ी अच्छी जगह लगी हमें यहाँ पे, और हमारे घर से काफ़ी पास भी है, तो आप देखिए लाइटिंग वगैरह और ये रिजॉर्ट वगैरह, अगर जो भी आप चाहें यानी कि रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं, और या फिर आप, और ये देखिए ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं, ये फ्रेश बियर यहाँ से निकलती है, तो ये सारे प्लांट लगा हुआ है, ये देखिए ये सारा कुछ उनका ही है, पूरा अरावली रिजॉर्ट वालों का ही है, डाउन टाउन का ही है। यहाँ पे आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ घूमने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस रहने वाला है। तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो नई जगह को लेके, जहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया, एंजॉय किया, यहाँ पे बहुत सारा आपने, इट्स लुकिंग लाइक अ पिक्चर वगैरह में नहीं दिखाते उस तरह का, वैसा सीन लग रहा था। सो इट वॉज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस डाउन टाउन जाके। अगर आप आना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा उस पर ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा अगर आप कभी गए हों तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, बाय बाय, टेक केयर।